गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के कुछ सीक्रेट्स के बारे में। आप सभी ने तो ट्रेलर देख ही लिया होगा, पर मूवी देखने से पहले मैं कुछ अपना एजम्पशन शेयर करने वाली हूँ। शायद मे भी ये हो सकता है कि इस मूवी में ये सीक्रेट छिपे हुए हों, और अगर ये सीक्रेट सच होते हैं तो ये मूवी इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। अभी तक रणवीर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी एनिमल मूवी साबित होने वाली है। चलो जो भी है, देर आए दुरुस्त है। तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको एनिमल मूवी में छुपे तीन ऐसे टॉप सीक्रेट्स के बारे में, जिसको सुन के आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाओगी, आप पूरी तरह से हिल जाओगे। चलो तो फिर बात करते हैं सीक्रेट नंबर वन के बारे में। सीक्रेट नंबर वन हो सकता है पति पत्नी एंड वो पे बेस्ड। इस मूवी में आपने ट्रेलर में तो देखा ही होगा रश्मिका एंड रणबीर की लव स्टोरी के बारे में, पर मे भी हो सकता है कि तृप्ति वो इस पति पत्नी वो की वो साबित हो सकती हैं। बोला तो ऐसा भी जा रहा है कि तृप्ति रणबीर के फैमिली में आती हैं उनके फैमिली के बारे में आर्टिकल छापने के लिए, पर मेरा एजम्पशन ये है कि हो सकता है कि वो किसी दुश्मन की सीक्रेट एजेंट हो और रणबीर को उनसे प्यार हो जाता है। रणबीर के दिलो दिमाग में तो रश्मिका है, पर ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में तृप्ति हावी हो जाए। तो ये तो आपको कल मूवी में देख के ही पता चलेगा कि ये एजम्पशन कितना सही है और नहीं है, पर मे भी ये पति पत्नी वो वाला ट्रायंगल साबित हो सकता है। अब चलते हैं सीक्रेट नंबर दो की तरफ। ये मूवी का ट्रेलर आपने जब देखा तो ये तो देखा होगा कि बॉबी देओल भी इस मूवी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं। तो आपने नोटिस किया कि रणबीर का और बॉबी देओल का लगभग लुक सेम है, और बहुत बारी रणबीर का जो ड्यूअल पर्सनालिटी होता है वो सामने में मिलेगा। पापा के सामने तो वो कुछ और रहते हैं रणबीर, पर पीठ पीछे शायद वो कुछ और होते हैं। और बात करें बॉबी की, तो ऐसा पॉसिबल है कि बॉबी देओल एंड रणबीर कपूर दोनों ही भाई हों। आई मीन दोनों के तो पिता सेम है, पर माँ दोनों के डिफरेंट हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि अनिल कपूर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो ये तो आपको मूवी में जाके देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में बॉबी देओल जो है वो एक एनिमल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। वो लाइक अ एनिमल ही होते हैं, क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं जो इंसान दूसरे इंसान के मांस को खाता है। वहीं बात करें रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर को इस मूवी में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आपने देखा ही होगा मंजुलिका को भूल भुलैया में कि उनको भी डबल ड्यूअल पर्सनालिटी होता है। तो लाइक यहाँ भी पॉसिबल है कि ये दो पर्सनालिटी हायर कर सकते हैं। या अब परिचित मूवी आपने देखा होगा तो सेम कहानी यहाँ भी हो सकता है। तो हम अब चलते हैं सीक्रेट नंबर तीन की तरफ। ये एक ऐसा सीक्रेट है और ऐसा ये मूवी में होता है तो ये मूवी को पूरी तरीके से हिला के रख देगा, इंडियन सिनेमा को पूरे एक नया कंटेंट देगा। ये मे बी हॉलीवुड से इंस्पायर्ड मूवी हो सकता है। तो सीक्रेट नंबर तीन ये है कि हो सकता है बॉबी देओल स्प्लिट पर्सनालिटी हो रणबीर कपूर के, रणबीर कपूर को ड्यूअल पर्सनालिटी मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनालिटी होता है। तो वो सबके सामने में तो सिंपल सीधे साधे होते हो, पर वो जब गुस्से में एंगर में होते होंगे तो उनके अंदर बॉबी देओल का जन्म होता होगा, और वो बॉबी देओल की तरह बॉबी देओल का ही कैरेक्टर प्ले करते होंगे। एक एनिमल लाइक ह्यूमन लाइक एनिमल का कैरेक्टर प्ले करते होंगे, एक डेंजरस मैन का। तो मे भी हो सकता है कि ये मूवी में रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल दोनों ही सेम हो, सेम पर्सन का है ड्यूअल पर्सनालिटी का, ये स्प्लिट पर्सनालिटी हो सकता है।
और अगर ऐसा होता है तो ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट एंड लाइक मोस्ट टॉप मूवी के लिस्ट में आ जाएगी, ब्लॉकबस्टर मूवी में आएगी ये। और आप सभी को तो पता ही है कि कभी विलेन को तो पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो आता ही है, तो जब अगर वो इस मूवी में विलेन का किरदार निभा रहे हैं तो हो सकता है कि प्रभास की भी एंट्री हो, प्रभास उनको एज अ पुलिस कॉप के रूप में हो और उनको अरेस्ट करें। तो ये सारी तो सीक्रेट, सारी बातें तो आपको कल मूवी में जाके सिनेमाघर में ही देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि हमारे जंक्शन कितना सही होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मूवी कल जाके सिनेमाघर में देखें और अपना रिव्यू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज वेलकम बैक।